गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है रविवार का दिन, तो चलिए पूरे एक हफ्ते के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। जो लोग मेरी डेली क्लास देखते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने ही वाली है, लेकिन जो मेरी क्लास डेली नहीं देखते हैं वो भी पिछले एक हफ्ते का एक स्नैपशॉट पा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को गवाए हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी बोलते हैं, तो विश्व ऑटिज्म वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल। और 5 अप्रैल को क्या मनाते हैं? नेशनल मैरिटाइम डे। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही स्थापना हुई थी WHO, विश्व हेल्थ यानी स्वास्थ्य संगठन की। और इसी के साथ साथ 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 1 अप्रैल को तो फुल डे मनाते हैं, नहीं, फुल डे तो वही लोग मनाते होंगे जिनका खुद का डे हो। 1 अप्रैल को मनाते हैं आरबीआई का स्थापना दिवस। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यानी सरकार उसे अपने अंडर में कब ले ली थी? तो 1949 को। इसका शुरू करते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? इसके अंतर्गत 50 झीलों का नवीनीकरण किया जाएगा। पुराने जितने मतलब 25 झीलें जो है वो तेलंगाना के नगर पालिका नगर निगम के अंदर आने वाली हैं और बाकी उसके बाहर की हैं। तो इसका किया जा रहा है, और किस शहर में किया जा रहा है? तो हैदराबाद शहर में किया जा रहा है, तो तेलंगाना के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। हाल ही में इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन DC। कब स्थापना हुई थी? 1945। इस समय के हेड कौन है? अजय बंगा। किसको रिप्लेस करके बने हैं? डेविड मालपास को। किस राज्य को $108 मिलियन का ऋण दिया? किस चीज के लिए? जब बाढ़ आ जाएगी तो उसका ऐलान, जैसे बाढ़ आने वाली है 10 मिनट पहले ऐलान आ जाएगा, घर छोड़ के निकल लीजिए, और अगर जो लोग बाढ़ में फंसेंगे उनकी जान बचाई जाएगी, उनको खाना पहुंचाया जाएगा, उनको राहत पहुंचाई जाएगी, लेकिन बाढ़ रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस बात पे भी हम फोकस करेंगे। तो कौन सा ये? असम। और बिहार, बिहार में किस नदी के द्वारा सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, या बिहार का शोक किसे कहते हैं? देखिए बिहार में कोई शोक का कारण उतना खास है नहीं, लेकिन बिहार में जब बाढ़ आ जाती है तो पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा गांव बह जाते हैं, तो मतलब सब लोग उसी समय शोक में डूब जाते हैं, तो इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। लोग कहते हैं ना कि मतलब भगवान को बहुत ज्यादा कोसते हैं, या किसी को बहुत ज्यादा कोसते हैं कि तुम्हारी वजह से हो गया, तुम्हारी वजह से हो गया, तो नदी ही कोसी है, वो आके कोसती है और उड़ा देती है किसी को भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथश्री रास्ताश्री। तो इस ये पथश्री रास्ताश्री वही, ये योजना वही शुरू की गई है जहां की, जहां पे CM जो है दीदी हैं, और वो भी सिंदूर नहीं लगाती हैं। तो ये कहां पे शुरू हुई है? सिंगूर में। कहां पे शुरू हुई है? सिंगूर में शुरू हुई है। इसके बाद ये 2200 किलोमीटर की सड़कें बनाने के लिए है, ताकि, और कितनी? 22 जिले की 2200 किलोमीटर सड़कों को बनाना है, ताकि देश में आवागमन ज्यादा, मतलब कि उस राज्य का अगल बगल के राज्यों से और देश के मेजर सिटीज से कनेक्शन जो है इजी हो जाए। इसके बाद शुरू करते हैं, जैसे आपका घर का गेट है, अगर वो गड़बड़ हो गया तो आपकी कहाँ कहाँ की कनेक्टिविटी टूट जाएगी, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, आपको मार्केट जाना होगा तो भी नहीं जा पाएंगे, आपको अगर लखनऊ जाना है तो भी नहीं जा पाएंगे, आपको अगर दिल्ली जाना है तो भी नहीं जा पाएंगे, आपको रूस जाना है तो भी नहीं जा पाएंगे। तो आपके अंदर की जो शहरें हैं, मतलब शहर की जो सड़कें हैं, यानी पश्चिम बंगाल की जो सड़कें हैं, वहां की कनेक्टिविटी कहाँ के लिए? कहीं भी दुनिया में जाना हो, अब जो उसके अंदर होगा तो उसको तो उसी रोड से जाना होगा, बाकी तो बाहर की रोड पकड़ेगा। तो स्टेट हाईवे भी एक बहुत मेजर पार्ट अदा करता है। तो पथश्री रास्ताश्री प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दीदी की है घर। दीदी कहाँ? पश्चिम बंगाल। और वहां के गवर्नर कौन है? आनंद बोस। अभी जल्दी बने आनंद बोस। हाल ही में सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़ा, क्या उसके साइज से? नहीं, उसके द्रव्यमान से। ये बात हमें हमेशा नोट करनी चाहिए। हाल ही में सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज कहां की गई है? तो ये कहां की गई है? ये की गई है एबल 1201 इस नामक गैलेक्सी या आकाशगंगा में की गई है, या मिल्की वे में की गई है। इसके साथ ही साथ किन देशों के साइंटिस्टों ने मिलकर खोजा है? तो जर्मनी,
एंड ब्रिटेन, जर्मनी और ब्रिटेन के साइंटिस्टों ने मिलकर इसकी डिस्कवरी की है। इसके बाद अब क्या वो ब्लैक होल है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? अरे डेंसिटी ज्यादा होगी तभी तो ब्लैक होल है, अगर डेंसिटी ही नहीं ज्यादा होगी तो ब्लैक होल होगा ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स, आर्ट एंड कैपिटल बताता है कि किसका पासपोर्ट कितना ज्यादा है, मतलब कितना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर पासपोर्ट की रैंकिंग अच्छी होगी तो अगर आप किसी को जाते हैं किसी देश में तो वहां पे वो देश, जैसे देखिए अब क्या होता है, अब मान लीजिए कि एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है, क्या नाम रखते हैं, क्रिस्टोफर, ठीक है, ये क्रिस्टोफर है, अब ये रहता है इंडिया में, इंडिया तो अच्छा बन जाता, चलो इंडिया में रहता है, इंडिया में रहता है, अब इसको इंडिया से दूसरे देश में जाना है तो इसको अपने देश का भी कोई परमिशन देगा, तो अपने देश की परमिशन देते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इनको परमिशन देते हैं कि ठीक है आप जाइए, हम आपकी गारंटी लेते हैं, किसी दूसरे देश में जाएंगे तो हम वहां की सरकार से बात कर लेंगे, हम आपकी गारंटी लेते हैं, तो ये राष्ट्रपति इनको गारंटी देंगे, तो गारंटी के साथ अब लिख के देंगे ना कि ऐसे गारंटी दे दी है, बाहर जाके कोई कूट दिया, तो इनको देंगे, तो इनको देंगे पासपोर्ट, पासपोर्ट। इसके बाद ये जिस दूसरे देश में जा रहे हैं, मान लीजिए कि अमेरिका में जा रहे हैं, तो अमेरिका वाले इनको क्या देंगे, परमिशन देंगे कि ठीक है आप हमारे यहां आ जाइए, तो वो क्या देंगे, वो देंगे वीजा। तो कुछ देश से हमारे जो संबंध होते हैं, हमारे देश के संबंध जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि ठीक है आप वहां से आ जाइए पासपोर्ट लेके, जब आप हमारे देश पहुंच जाएंगे तो यहीं पे ऑफिस एकदम बगल में आइएगा, तुरंत खट से वीजा बना देंगे, आप आराम से घूमिए। तो ऐसा टूरिज्म वीजा अक्सर कई देश देते हैं, क्यों, क्योंकि उनको टूरिज्म का फायदा होगा, और कोई टूरिज्म करने जा रहा है तो क्राइम थोड़ी करने जा रहा है, बाकी उनकी जांच पड़ताल तो होगी, लेकिन एक वीजा दे दिया जाएगा, एक वीजा भी इजी होगा, तो लोग वीजा की वजह से कभी कभी होता है कि कौन जा रहा है ऑफिशियल वर्क करने, तो ऑफिशियल वर्क को इजी बनाया जाता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वीजा ले और ज्यादा से ज्यादा आए हमारे यहाँ घूमने। तो हमारे देश में पासपोर्ट की गारंटी कौन लेता है, तो ये लेते हैं राष्ट्रपति। तो जो देश वीजा और अराइवल देता है 3 दिन के अंदर आपको वीजा की परमिशन दे देता है, ऐसे देशों की रैंकिंग आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा ज्यादा होती है। तो संयुक्त अरब अमीरात, आपको पता होगा बुर्ज खलीफा दुबई में, और कहां पे वो, संयुक्त अरब अमीरात में, बाकी मतलब संयुक्त अरब अमीरात ने अपना 90% तक जो काम, अपना जो इनकम का साधन बना रखा है वो टूरिज्म बना रखा है। अब टूरिज्म को इतना ज्यादा बढ़ाएंगे और टूरिस्टों को ही आने नहीं देंगे तो फिर टूरिज्म का पैसा कहाँ जाएगा? आपने खूब बढ़िया सा पार्टी रख दी और गेट पे ताला मार दिया, किसी को अंदर नहीं आना है, तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है कि गेट खोलने की यानी ताला तोड़ने की व्यवस्था कर ली है, क्यों, क्योंकि इन्होंने वीजा ऑन अराइवल और जो भी ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी हो सकती है, पेपर वर्क जितना कम हो सकता है उसकी पूरी व्यवस्था कर ली है, तो इसलिए इनको पासपोर्ट इंडेक्स में पहला नंबर दिया है। अब जो कभी किसी देश को घूमने जाएगा तो उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे पहला नंबर यहाँ है, वीजा में सबसे ज्यादा आसानी यहाँ होगी, आपको यहाँ सबसे ज्यादा घूमना चाहिए, बिना किसी दिक्कत के आप यहाँ जा सकते हैं। तो सिंपली इंसान वहीं जाएगा, छुट्टियां मनाने गया है, टेंशन लेने गया है, तो सिंपली संयुक्त अरब अमीरात का पहला नंबर है। इसके बाद इंडिया, अपने भारत की स्थिति भी जानना जरूरी है, 138 नंबर पे था पिछले और इस बार और नीचे चला गया है, और इस बार आ गया 6 स्टेप नीचे, जिसको बोलते हैं 144 को, हमने वीजा और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया जाता है? GI टैग क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी किसी विशेष स्थान से किसी वस्तु को जोड़ दिया जाता है कि जब वो वस्तु कहीं पूरे देश में कहीं दुनिया में वो वस्तु जानी जाएगी तो उस स्थान का नाम भी लिया जाएगा, जिससे उस स्थान की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो अब यही जो संकेतक है, यही जो GI टैग है, ये अपना देश देता है। इसी तरह यूरोप भी कुछ सामानों को, कुछ बढ़िया बढ़िया देशों के सामानों को GI टैग देता है। तो इस बार यूरोप जो है वो आया और कहा कि हमें बासमती चावल का GI टैग देना है, मतलब इंडिया से पूछा, नाम बताइए कि आपके यहाँ कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं, तो इंडिया ने बताया हमारे यहाँ बासमती चावल तो बहुत अच्छा है, शादियों में उसी को खाने के लिए, मतलब वही बनता है, और कुछ बढ़िया घर में अगर छोला भटूरा बन जाए या छोला वाला बन जाए, राजमा बन जाए, तो यही बासमती चावल बनता है, और मतलब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है और काफी महंगा भी बिकता है। तो कहा नहीं, बासमती चावल हम तब GI टैग देंगे जब आप पाकिस्तान से जाके बात करके आएंगे। तो हमने कहा काम करिए, अपना GI टैग अपने पास रखिए, हमें नहीं पाकिस्तान से बात करनी है।
तो फिर यूरोप ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी चाय को हम जीआई टैग दे देते हैं, कांगड़ा चाय को। तो इन्होंने कांगड़ा चाय को जीआई टैग दे दिया, जो कि कांगड़ी वैली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा चाय कांगड़ी वैली पे पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक ये है कि भारत का पहला जीआई टैग किसको मिला था, दार्जिलिंग चाय को। और भारत में जीआई टैग की शुरुआत कब हुई थी, 2003 में, और मिलना कब शुरू हुआ था, 2004 में। तो 2004 में ये दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था। इसके बाद हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है, तो 5 वर्ष के लिए प्रारंभ किया गया है। इसमें 15 वर्ष से उम्र के अधिक, 15 वर्ष से उम्र के अधिक जो भी लोग होंगे, जो कि अशिक्षित रह गए हैं या फिर निरक्षर रह गए, यानी उनको क्या कहते हैं कि अगर उनको कभी भी कॉपी कलम हाथ में नहीं आई है, किसी बहुत मजबूरी की वजह से कभी स्कूल नहीं जा पाए, या फिर अपनी बदमाशी की वजह से स्कूल से भाग आए, या फिर पेरेंट्स की लापरवाही की वजह से उन्होंने एजुकेशन ली ही नहीं, तो ऐसे बच्चों की जो 15 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं और जिनको अब वास्तविक जिंदगी में जाके आभास हो रहा है कि नहीं अब मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है, कहीं भी चले जाओ तो बोर्ड लगे होते हैं, पता नहीं क्या लिखा होता है, कभी लाल कभी पीला कभी बड़ा छोटा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसे लोग के लिए क्या किया जा रहा है, एक लिटरेसी प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि उनको बेसिक एजुकेशन मिल जाए। तो ये कौन सा अभी ईयर चल रहा था, एजुकेशन ईयर 2022-2023, तो इससे 5 साल ऐड कर लीजिए, तो 2026 और 2027, सिंपल। इसके बाद आगे, हाल ही में दूसरा संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो ये संयुक्त कमांडर सम्मेलन का, यानी इसमें एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री, इन तीनों के हेड आएंगे, तो उन तीनों के हेड का नाम पहले जान लेते हैं। तो एयरफोर्स और सबसे पहले शुरू करते हैं नेवी से। नेवी के जो हेड है उनका नाम है आर हरी कुमार। इसके बाद एयरफोर्स के जो हेड है चौधरी जी है, क्या नाम है, वी आर चौधरी। जैसे हम बोलते हैं ना वी आर इंडियन, उसी तरह ये वी आर चौधरी है। ये अपने में एक पूरी सेना है, एयरफोर्स है इंडिया की, इंडिया की आन मान शान, एयरफोर्स हो गए। अब आर्मी, एयरफोर्स का जो गठन हुआ था 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था, इसलिए 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे भी मनाते हैं। और इसकी थीम क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी, यानी आसमान को गौरव के साथ छूना। फिर आर्मी, आर्मी के जो हेड है उनका नाम है मनोज पांडे, मनोज पांडे। तो अब देखिए जो नेवी है ये किस नंबर के है, ये 25th नंबर के। अब इसी में 2 ऐड कर दीजिए, ये एयरफोर्स कौन से नंबर के है, 27th नंबर के है, और ये आर्मी वाले किस नंबर के है, 29th नंबर के है। और हमारे जो सीडीएस है इस समय जनरल अनिल चौहान, अनिल चौहान, ये चारों लोग कलेक्ट होंगे कहां पे, भोपाल में, और सेना के थिएटर कमांड के लिए डिस्कशन करेंगे। थिएटर कमांड क्या होती है कि जब सब लोग मिलकर एक साथ, जब घर में कोई विपत्ति पड़ती है तो पूरा परिवार मिलकर एक साथ काम करता है, लेकिन जब सब्जी लेने जाना होता है तो कोई एक पर्सन जाता है, जब कोई छोटा काम हो जैसे कि नल बंद करने जाना है तो कोई एक पर्सन जाता है, लेकिन जब किसी के घर शादी पड़े रिश्तेदार में, तो रिश्तेदार में नहीं पड़ोसी के घर, तो सब लोग जाते हैं। कुछ संकट पड़े, किसी घर की बहुत तबीयत खराब हो जाए, सब लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये जब संकट का वक्त हो तो सारी सेना एक साथ जाके अटैक करे, सब मिलके एक साथ कोऑपरेट करके सभी डोमेन्स में अटैक करे, इसके लिए ये थिएटर कमांड बनाया जा रहा है। तो इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, भोपाल में। अब आगे देखते हैं, आगे है हाल ही में केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री का मतलब क्या होता है, केंद्रीय मंत्री जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत होती है, नहीं संसद के। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति, अब विदेश से व्यापार करने के लिए पहले नीति ऐसी आती थी, अब आपको मैं इसका एग्जांपल सिंपली बताता हूं। जैसे क्या होता है कि अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो कोई नया अपडेट आता है तो सिंपली नीचे अपडेट लिख देते हैं, अपडेट पे क्लिक कर वही अपडेट, वही ऐप आप यूज करते हैं, ऐप नहीं बदलता। लेकिन कभी ऐसा होता कि आपने
पहले क्या किया, पहले आप अपने दोस्तों को चिट्ठी लिख के कबूतर से भेजते थे, फिर तार वाला सिस्टम आ गया, फिर टेलीग्राम वाला सिस्टम आ गया, फिर स्पीड पोस्ट आ गया, तो इसमें पूरी पूरी व्यवस्था ही बदल जाती थी, पूरी व्यवस्था ही बदल जाती थी। तो ये पांच पांच साल की नीतियां बनती थी व्यापार नीति, जिसमें पूरी व्यवस्था बदल के फिर नई नीति आती थी, क्योंकि इसमें अपडेट करना बहुत डिफिकल्ट होता था। इसके बाद आया व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में क्या होता था कि आप हर दो महीने, तीन महीने, दस दिन, पांच दिन पर नया अपडेट, नया अपडेट, नया अपडेट आता रहता है। उसी तरह अब हम लोगों ने भी क्या किया है, यानी हम लोग मतलब भारत सरकार ने क्या किया है कि विदेश व्यापार नीति को व्हाट्सएप की तरह लेके आया। मतलब ये व्हाट्सएप से लिंक नहीं है, बस ये एग्जाम्पल है, व्हाट्सएप की तरह ये सिर्फ अपडेट होती जाएगी, इसको चेंज नहीं किया जाएगा। इसमें जो कमी आएगी अपडेट करो, अपडेट करो, अपडेट करो, अपडेट करो और आगे बढ़ाते जाओ। क्योंकि अचानक कोरोना आ गया, अचानक कोई मंदी आ गई, अचानक कोई भी दिक्कत आ गई, तो ये विदेश व्यापार नीति फेल नहीं होगी, ताकि भारतीय व्यापारियों को कम से कम नुकसान और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा प्राप्त हो। कोई व्यापारी विदेश में ले जाके सामान तभी बेचेगा उसको फायदा, फायदा ही नहीं होगा तो अपने ही देश में रखो, नुकसान उठाना तो अपने ही देश में रखो ना। तो अब ये लोग किस किस मैटर पे बात करने वाले हैं, निर्यात प्रोत्साहन, कि जिसको बेचने में दिक्कत हो रही जाके बेच लो, कैसे हम व्यवस्था कराएंगे, हम मतलब भारत सरकार, व्यापार करने में आसानी होगी, ई कॉमर्स जो कि उभरता हुआ व्यापार का नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है, तो ई कॉमर्स को भी हम प्रमोट करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है अजय सिंह को। किसे नियुक्त किया गया, अजय सिंह, अजय देवगर। जैसे जो ट्रिक जितना इजी लगे उसको ट्रिक से याद करिए, अगर एक छोटे से नाम को याद करने के लिए एक बड़ी सी ट्रिक याद कर ली जाए तो एक छोटा नाम डायरेक्ट याद करना इजी है। हम सिर्फ ट्रिक से नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, जहां ट्रिक की जरूरत हो वहां ट्रिक से पढ़ेंगे, जहां डायरेक्ट की जरूरत हो डायरेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप कभी भी स्ट्रिक्टली एक साइड जाएंगे तो आप सिंपली बाकी लोगों से पीछे रह जाएंगे, जहां जैसी जरूरत वैसा इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेंशन सुधारों के लिए, अब पेंशन सुधारों के लिए अन्वेषण के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया, तो पेंशन सुधार की जरूरत क्या पड़ी, कुछ जगह से पेंशन खत्म हो रही थी, कुछ जगह से लोगों की डिमांड थी कि पेंशन हमें मिलना बहुत जरूरी है, कुछ लोगों को मिल नहीं रही थी, तो पेंशन सुधार ऐसा है कि क्या पेंशन सच में जरूरत है, क्या सच में मतलब पेंशन की जरूरत है, तो फिर कितने परसेंट लास्ट सैलरी का कितना परसेंट मिलना चाहिए, 50% मिलना चाहिए, 40% मिलना चाहिए, 80% मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए, फिर क्या क्या मतलब उसमें स्कीम हो सकती है ताकि लोगों की भी भलाई हो और भारत सरकार पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन भी ना पड़े। तो इसलिए एक समिति का गठन किया गया है, और उस समिति का नाम क्या है, यानी उस समिति का हेड कौन है, टीवी सोमनाथन। क्या है, टीवी सोमनाथन। इसमें इसके लगभग लगभग एक तरह से खाका तैयारी है, तो इसमें अनुमान यह है कि लास्ट सैलरी का 50% उनको पेंशन मिलेगी जो कि 30 वर्ष या उससे अधिक की नौकरी या जॉब पीरियड पूरा कर चुके हैं, लेकिन 40% उनको मिलेगा जो 30 साल से कम या 20 साल से ज्यादा कर चुके हैं। अब 20 साल से कम वालों के लिए और भी कुछ नया प्रावधान हो सकता है, तो अब जब नई पेंशन नीति आएगी तब उसे डिस्कस किया जाएगा, अब जब तक नहीं आती तो अनुमानतः ज्यादा बताना ठीक नहीं है। हाल ही में किसे, अब ये अनुमान भी सिर्फ मेरा नहीं है, ये बड़े बड़े वित्त अधिकारियों का एक अनुमान है, हाल ही में किसे सार्क राइटर एवं लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वही जो शेख हसीना जी के पापा है, वही जो 1971 में बांग्लादेश के विघटन के बाद वहां के प्रधानमंत्री बने थे, वही जिन्हें बंगबंधु बोलते हैं, और वही तीसरे ऐसे नेता जिनको महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग के बाद एसासिनेट कर दिया गया था, यानी हत्या कर दी गई थी, तो ये कौन है, बंगबंधु। बंगबंधु किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं शेख मुजीबुर रहमान का मतलब तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मुजीबुर रहमान बहुत मजबूत शब्द होगा, शेख मुजीबुर रहमान। इसके बाद है, हाल ही में स्कॉटलैंड के मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो स्कॉटलैंड के मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया हमजा यूसुफ। हमजा यूसुफ एक, इनके पिताजी पाकिस्तानी डॉक्टर थे और इनकी माताजी केन्या से थी, तो ये पाकिस्तानी मूल के
और स्कॉटलैंड में रहने वाले ब्रिटिश हैं। स्कॉटलैंड भी ब्रिटिश का हिस्सा है, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ये ब्रिटेन का हिस्सा है, और इसी में नॉर्थ आयरलैंड को मिला दिया जाएगा तो वो बन जाएगा यूके। तो स्कॉटलैंड को क्या यूके बोलेंगे? नहीं, इसको क्या बोलेंगे? ब्रिटेन का हिस्सा। तो हमजा यूसुफ ब्रिटिश है, ब्रिटिश है, और किस मूल के? तो पाकिस्तानी, पाकिस्तानी ब्रिटिश है जिनको मंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। इसके बाद डिलमा रूसेफ एनडीबी की हेड है। एनडीबी क्या? नेशनल डेवलपमेंट। अब ये बैंक कौन सा है? इंडिया में है क्या? उत्तर प्रदेश में है क्या? नहीं, ये जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है इसे ब्रिक्स ने स्थापित किया है। ब्रिक्स ये क्या होता है? तो ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, विश्व के 5 सबसे तेज उभरती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्होंने मिलकर ब्रिक्स की स्थापना की, और उन्हीं ने मिलकर एनडीबी की भी स्थापना की। एनडीबी में टोटल कितने मेंबर है? 8। नौवां कौन सा जुड़ा हुआ है? मिस्र। तो टोटल कितने हो गए? 9। नौवां कौन सा है? मिस्र, जो कि अभी हाल ही में जुड़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटो, एक ट्रिपल आर मूवी का सॉन्ग है नाटू, नाटू जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला बेस्ट ओरिजिनल का, और 80th गोल्डन ग्लोब भी मिला बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का। लेकिन ये नाटो वो नाटू से अलग है। तो अब वो नाटू के उस नाटू वर्ड पे भी संसद में एक बार हंगामा हो गया था कि नाटू का मतलब किसी जाति से रिलेटेड है क्या। तो फिर एक सांसद के नेता है, उन्होंने बताया कि नहीं, नाटू का अर्थ जो होता है वो नाट्य शास्त्र से है, यानी शिव जी के जो एक कला है, शिव जी की जो नृत्य कला है उस नृत्य कला से रिलेटेड है, जो कि एक सम्मानजनक और एक बहुत प्रतिष्ठित शब्द है। तो नाटो क्या है? लेकिन ये तो वो शब्द नहीं है, ये तो है NATO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? यानी एटलांटिक ओशियन के नॉर्थ में जो कंट्रीज पड़ती हैं, वो लोग मिलके एक ग्रुप बनाई हैं। इनका एक ग्रुप है, ये मतलब मेनली किसने बनाया था? अमेरिका ने, अपनी आर्मी को और स्ट्रांग बनाने के लिए। अब खुद की आर्मी आप सोचिए कि आपको खुद से कहीं लड़ाई हो जाए, आप खुद से ही लाठी वाठी लेके जा रहे हैं तो कितने लोग को अटैक करेंगे, लेकिन अपने मोहल्ले की सभी अपनी एज के लड़कों को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए और एक टीम बनाइए, एक नाम दीजिए, एक वर्दी दीजिए कि जब किसी इस पूरे मोहल्ले में किसी एक पे भी अटैक हो, सब लोग मिलकर चलेगा अटैक करने, तो एक मोहल्ला जो है, आपका जो एरिया है वो काफी सुदृढ़ टाइप का हो जाएगा। मतलब ऐसा करिएगा नहीं, एक एग्जांपल है। तो नाटो में टोटल 30 देश शामिल है। स्थापित किया था लगभग 10 देशों ने, लेकिन जुड़ते जुड़ते लगभग 30 देश हो गए। तो इस बार एक नया सदस्य जुड़ गया है, 31st मेंबर, जो कि है फिनलैंड। कौन सा देश है? फिनलैंड। नाटो की एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 5, जो नाटो को सबसे ज्यादा खतरनाक और डेडली बनाता है। आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि अगर नाटो सदस्य के किसी एक मेंबर पे भी दुनिया के किसी भी देश ने अटैक किया तो नाटो के 31 मेंबर जाके उस देश को बर्बाद कर देंगे। और इसमें एक शर्त भी है कि आप ज्योग्राफिकली पास होने चाहिए, आपकी अर्थव्यवस्था स्थिर होनी चाहिए, और आपके अंदर या किसी दूसरे देश से कोई विवाद नहीं होना चाहिए, तब आप नाटो ज्वाइन कर सकते हैं। स्वीडन भी चाहता था ज्वाइन करने को, नहीं कर पाया। नॉर्वे चाहता था, यूक्रेन चाहता था ज्वाइन करना, ज्वाइन तो कर नहीं पाया, और साथ में रसिया ने उसको एक्स्ट्रा फीड दिया तो उसके लिए तो ज्यादा घाटा हो गया। जैसे मान लीजिए यूक्रेन गया नाटो के पास कि हमको नाटो ज्वाइन करना है, तो नाटो ने कहा हम आपको लेंगे नहीं। इसके बाद रसिया आया, ढूंढ दिया कि हमसे दुश्मनी करने जा रहे हो। हाल ही में हिंदू फोबिया क्या होता है? क्या हिंदुओं से भी किसी को डर लगता है? अब पता नहीं, मतलब ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो दुनिया के सबसे शांत माने जाने वाले, दुनिया को सबसे ज्यादा विश्व बंधुत्व की उदाहरण देने वाले या परिभाषा देने वाले हिंदुओं से भी वो डरते हैं, और सिर्फ डरते ही नहीं है, उनके जान माल का खतरा या फिर उनको मतलब देखना नहीं पसंद करते हैं और उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसा है हिंदू फोबिया। भारत में तो ऐसा कभी देखने को मिलता नहीं है कि कोई किसी धर्म के प्रति इतना ज्यादा कट्टरता हो जाए कि वो उसकी जान लेने के पीछे पड़ जाए। तो हिंदू फोबिया के खिलाफ, अब हिंदू फोबिया के खिलाफ क्या हुआ कि जो लोग हिंदुओं के प्रति ऐसा बुरा व्यवहार कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है अमेरिका के एक राज्य ने। अमेरिका में टोटल 50 राज्य, उसी में एक राज्य जॉर्जिया। तो जॉर्जिया में ये पास किया गया है कि हिंदुओं के खिलाफ कोई भी बगावत नहीं होगी। अब जॉर्जिया में ISIS का भी कनेक्शन है, क्योंकि अभी जो अमृतपाल वाला केस चल रहा है उसमें ऐसा न्यूज में ऐसा बताया जा रहा है कि अमृतपाल ने कुछ एक रिपोर्ट आई है कि अमृतपाल की ट्रेनिंग ISIS ने जॉर्जिया में की है। इसका मतलब वहां पे भी ISIS वाले हैं,
और वो जो इंडिया से दुश्मनी रखना चाहते हैं। तो अब इंडिया से दुश्मनी रखने का मतलब है कि हिंदू यहाँ पे बाहुल्य क्षेत्र है, तो इसलिए उन लोग क्या कर रहे हैं कि वहां पे हिंदुओं को टॉर्चर कर रहे हैं। अब वहां के हिंदुओं को टॉर्चर करेंगे तो वहां के जो राजदूत आवास है, दूतावास, वहां पे जो राजदूत है वो मैसेज भेजेंगे इंडिया को कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, न्यूज में आएगा। तो इस तरह मतलब एक राष्ट्र की जो गरिमा है वो धूमिल होगी। ठीक है, पता नहीं ये कैसी राजनीति चल रही, बट चल रही है। तो इसका सही आंसर क्या है? जॉर्जिया। और इसी के साथ साथ सिएटल, सिएटल एक जगह है, सिएटल, सिएटल में क्या किया गया है कि जातिगत भेदभाव, यानी जाति, जाति आप खुद ही जानते होंगे कई तरह की जातियां होती हैं, तो जातिगत भेदभाव को उन्मूलन करने के लिए यहां पे बिल पास हुआ है सिएटल में। आपको क्या लगता है कि भारत में भी ऐसा जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है कि नहीं? ऑब्वियसली कहीं कहीं मिल ही जाता है। हाल ही में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम का प्रमुख किसे बनाया गया? नासा में अब तक जितने भी कोई भी मिशन होता था उसका जो प्रमुख होता था वो कोई अमेरिकी ही होता था, अमूमन ऐसा ही होता था, लेकिन इस बार एक भारत का इंजीनियर है, भारत का सॉफ्टवेयर एवं रोबोटिक इंजीनियर है। क्या नाम है उसका? अमित क्षत्रिय, अमित क्षत्रिय। तो अमित क्षत्रिय जी जो है इसके हेड बने, जो कि 2004 से नासा के साथ काम कर रहे हैं। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। और नासा के जो वर्तमान में हेड है उनका नाम क्या है? बिल नेंसन। क्या नाम है उनका? बिल नेंसन। हाल ही में WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणित किया है? जिस देशों में लगातार 3 साल तक मलेरिया के केस नहीं मिलते उनको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया जाता है, या मलेरिया से किसी की डेथ ना हो तो उसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया जाता है। तो कौन से देश बने हैं? तजाकिस्तान और अजरबैजान। कौन से देश है? तजाकिस्तान और अजरबैजान। इसके बाद आगे देखते हैं, सूचनाओं के लीक होने की चिंता के कारण हाल ही में चैटर बॉट या चैट करने वाला रोबोट, जिसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं चैट बॉट, चैट बॉट एक सर्च इंजन की ही तरह होता है, बट सेम नहीं होता, अलग होता है, क्योंकि सर्च इंजन के पास खुद की मेमोरी नहीं होती है, आपके बहुत देर तक की सूचनाओं को कलेक्ट नहीं कर सकता। आप हर 10 दिन बाद सर्च करेंगे तो आपको एक नई चीजें देखने को ही मिलेंगी। उसी तरह चैट GPT पर प्रतिबंध लगाने पर पहला पश्चिमी देश कौन सा बना है? और क्यों प्रतिबंध लगाया? प्रतिबंध इसलिए लगाया है क्योंकि ChatGPT ने यह स्वीकार किया है कि वो लोगों की प्राइवेट जानकारियों को जुटाकर तब उनके बारे में बताता है, बिना उसको जानकारी जुटाए नहीं बता पाता है। तो इसलिए ChatGPT जो है राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, इसलिए किसने प्रस्ताव उसको कैंसिल करने के लिए पारित किया? इटली ने। और इसी के साथ साथ जो वो टेस्ला कंपनी के मालिक है जेफ बेजोस, इलॉन मस्क ने भी इसका विरोध किया है। भारत किस देश के साथ? जेफ बेजोस किसके मालिक है? वो है अमेजोन के। भारत किस देश के साथ मिलकर 10वां स्लिनेक्स 2023 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करेगा? तो भारत श्रीलंका के साथ कहां पे? कोलंबो में स्लिनेक्स का आयोजन करेगा, ताकि मलक्का स्ट्रेट, इधर अरबियन पेंसुला, इधर IOA इंडियन ओशियन एरिया, यानी इंडियन ओशियन एरिया, ये पूरा क्षेत्र जो है इसमें कोई भी दूसरा दुश्मन आके अगर हमसे लड़ना चाहे या हमें परेशान करना चाहे या हमारे ट्रेड में कोई प्रॉब्लम हो, कोई लुटेरा भी आना चाहे, तो हमारी सेना हमेशा तत्पर रहे उससे बचने के लिए, या एक दूसरे देश को कभी सहयोग करने की जरूरत हो तो हम सहयोग भी कर सके। इसके बाद आगे है, हाल ही में दिवंगत हुए सलीम दुरानी, जो कि 1971 में आई मूवी चरित्र के मेन लीड रोल में थे, यानी हीरो थे, और इसी के साथ साथ क्रिकेट का पहला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी व्यक्ति थे। तो क्या नाम है इनका? सलीम दुरानी। अब पूछेगा कि किस क्षेत्र से रिलेटेड है? क्रिकेट का अवार्ड पाए तो क्रिकेट से है, कि फिल्म में मूवी में बनाया है तो अभिनेता से है। तो देखिए, जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इतना समझ लीजिए कि किस काम में पहले थे और कौन सा काम लाइफ टाइम किया। मूवी एक बार किया कि मैच एक बार खेला? तो मूवी एक बार किया है, मैच जिंदगी भर खेला है। तो मेनली किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। किससे रिलेटेड है? क्रिकेट, क्रिकेट से रिलेटेड है या क्रिकेट से संबंध रखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? 4 लोग इस बार जा रहे हैं, उसमें पहली महिला कौन है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, और 4 लोग का नाम आपको याद करा देता हूँ। तो क्या नाम है उनका? वी
कजरी, वी कजरी, तो वी से विक्टर ग्लोवर, क्या नाम है इनका, विक्टर ग्लोवर। विक्टर ग्लोवर क्या है, पायलट है। इसके बाद क से क्रिस्टीना कोच, क्रिस्टीना कोच ये पहली महिला है जो कि चांद पर जाने वाली है, और ये पहली महिला है जो 328 दिन तक अंतरिक्ष या स्पेस स्टेशन में रहकर आ चुकी है। जैसे जेरेमी हेंसन, ये पुरुष है, नाम देख के गड़बड़ी नहीं करिएगा, जेरेमी हेंसन। इसके बाद री से है रीड विगमैन, रीड विगमैन ये इन लोग के कमांडर है, रीड विगमैन। इसे कार्मन लाइन क्या होती है, कार्मन लाइन जो होती है धरती और अंतरिक्ष के बीच में एक सीमा बनाती है जो अपने धरती यानी समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर होती है। इससे ऊपर गए तो आप अंतरिक्ष मान लिया जाएगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। वर्ष 2023 में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह किस अवधि में आयोजित किया था, सप्ताह है तो एक हफ्ते के लिए, स्वास्थ्य दिवस के दिन उसका फाइनल डे था तो उसे एक हफ्ता पहले जोड़ लीजिए, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनाया गया नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह। वर्ष 2023 में नेत्रहीन, ये क्वेश्चन हो चुका है, अब टेक्निकल टीम से कहना पड़ेगा कि थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से डाला करें। एमएस हाइड्रा दुनिया की पहली लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाली नौका है, जिसको किस देश ने चालू किया है, नॉर्वे ने। किस देश ने स्टार्ट किया है, नॉर्वे ने, जो कि कार्बन इमिशन को यानी कार्बन उत्सर्जन को 95% कम कर देगा। ये मतलब ये पॉइंट बहुत खतरनाक पॉइंट है, 95% तक कम कर देगा। सिंपली हमारे जो ओशियन है उनकी हेल्थ सुधरेगी। तो ये किस देश ने लॉन्च किया, नॉर्वे, नॉर्वे की कंपनी है नॉरलेड, क्या कंपनी का नाम है, नॉरलेड। शुरू किया, 300 पैसेंजर यात्रियों की क्षमता है, 9 नॉट तक इसकी स्पीड होती है, यानी समुद्री माइल पर आवर। अब समुद्री माइल और नॉर्मल माइल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 4 अप्रैल 2023 को देश भर में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जयंती मनाई गई, इसका संबंध किस धर्म से है, तो इसका संबंध है जैन धर्म से, जैन धर्म से। जैन धर्म के 5 रूल थे, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसके बाद आगे देखते हैं। हाल ही में डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ कहां हुआ है, ये हुआ है छत्तीसगढ़ में। किसने किया है, वहां के सीएम भूपेश बघेल ने किया है। और पहला गाना कौन सा चलाया है, काका काका, आपने वो मूवी देखा होगा टाइगर जिंदा है, उसी में इन्होंने भी अपना बनाया है, काका जिंदा है ये बनाया है, ताकि अगर आपके पास 2G इंटरनेट है तब भी आप इसको देख सकते हैं। और ये क्षेत्रीय कला का विस्तार करेगा, क्षेत्रीय कला जैसे साउथ इंडिया का कर रहा है, अपनी क्षेत्रीय कला को विस्तार कर रहा है और पूरी दुनिया के सामने अपना डंका बजा रहा है, तो वैसे ही ये भी करेंगे। ये कहां का है, छत्तीसगढ़, समझ गए, ये छत्तीसगढ़ ही लिखा है, 36गढ़। अब आगे है, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल। हाल ही में किस राज्य के अनुशासित प्रदेश की बसोहली चित्रकारी को जीआई टैग मिला है, तो कठुआ को मिला। आप कठुआ कहां पे है, किस यूनियन टेरिटरी में है, तो जम्मू कश्मीर, सिंपल। कठुआ, पुलवामा, अब जैसे कभी किसी एरिया का नाम आता है तो उस एरिया के नाम को अपने दिमाग में रखा करिए कि वो किस राज्य से रिलेटेड, कभी यही क्वेश्चन पूछ दिया कि कठुआ किस राज्य से रिलेटेड है तब तो फंस जाएंगे। तो कठुआ को मिला जीआई टैग। किस केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 को। और जम्मू कश्मीर किन राज्यों के साथ सीमा लगाता है, तो ये लगाता है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और एक यूनियन टेरिटरी के साथ भी सीमा लगाता है जो कि है लद्दाख, और इसके साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है जो कि है पाकिस्तान के साथ। तो इसे मिला है बसोहली चित्रकारी, किस केंद्र शासित प्रदेश की, जम्मू कश्मीर। यहाँ के जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा। इसके बाद स्कूल चले अभियान अपने उत्तर प्रदेश की है, 1 अप्रैल 2023 को चालू हुई है, तो किस स्टेट की है, उत्तर प्रदेश की। और किसने शुरू की है, योगी बाबा ने इसको शुरू की है। और क्यों शुरू की है, कि जो बच्चे पिछली बार पढ़ाई छोड़ चुके हैं, पिछले साल पढ़ाई से क्विट कर चुके हैं, उनको फिर से पढ़ाई में जोड़ा जाए, फिर से उसी धारा में जोड़ा जाए कि चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया है
कंक्रीट का जंगल, कंक्रीट का जंगल किसे बोलते हैं? मुंबई को। इसके पिछले वर्ष किसको शामिल किया गया था? मुंबई और हैदराबाद को संयुक्त रूप से। इसके बाद नेक्स्ट है आगे, हाल ही में घातक प्लांट फंगस से इंसान में संक्रमण का दुनिया का पहला मामला कहां पे आया है? तो ये मामला आया है कोलकाता। कहां पे आया है? कोलकाता। और जो फंगस है उसका नाम क्या है? उसका नाम है चेड्रोस्टेरियम परप्यूरियम। क्या नाम है? चेड्रोस्टेरियम परप्यूरियम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान, उसका निगेटिव योगदान मतलब उसको ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ाने के लिए, देश की स्थिति और खराब करने के लिए राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेच रहा है, प्रोडक्शन में कौन आगे, विकसित कौन है? तो अमेरिका सबसे टॉप पे, वही चल रहा है लगभग लगभग। तो अमेरिका ही सबसे ज्यादा बर्बाद भी कर रहा है 17.3% के साथ, और लगभग लगभग 0.28 डिग्री सेल्सियस अपने ही अकेले बढ़ा रखा है। तो कौन है वो? अमेरिका। दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे रूस, चौथे नंबर पे ब्राजील और पांचवे नंबर पे अपना इंडिया 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ। तो पहले नंबर पे कौन सा देश है ये? तो इसका आंसर है अमेरिका, अमेरिका। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद हाल ही में ट्रांस पैसिफिक भागीदारी यानी कि अब यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद, ब्रेग्जिट होने के बाद, यानी यूरोपियन यूनियन से अलग होने की चीज को बोलते हैं ब्रिटिशर्स का एग्जिट होना, ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट के बाद, यानी ऋषि सुनक का ये वर्ड है, मेरे शब्द नहीं है, ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रेग्जिट से होने के बाद ये हमारी अहम व्यापार नीति के तहत समझौता है। अब हम जैसे कि अब क्या होता है कि वो यूरोपियन यूनियन में पहले बिजनेस करते थे, आराम से सामान ले जाके बेचो, कोई टैक्स नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, जैसे यूपी से एमपी में जाके बेचो कोई दिक्कत नहीं है, एक जिले से दूसरे जिले में बेचो कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह यूरोपियन यूनियन के देशों में भी आप बेफिक्र होकर बेच सकते थे सामान। लेकिन अब ऐसा तो रहा नहीं, ब्रेग्जिट हो गया, तो अब इन्होंने क्या किया कि ट्रांस पैसिफिक के कुछ कंट्रीज को, जैसे जापान को, वियतनाम को, मलेशिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अब अमेरिका भी इसमें नहीं है, तो अमेरिका निकल चुका है, तो कनाडा, मैक्सिको, इन देशों में आप ब्रिटेन वाले सामान बेच सकते हैं। तो ये किसने शुरू किया है? ये किया ब्रिटेन ने, ब्रिटेन ने। इसके बाद आगे है, हाल ही में क्वेश्चन हो चुका है, हाल ही में एयरटेल ने किस बैंक के साथ सहयोग के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है? जैसे ऐप से इस्तेमाल करते थे वैसे ही हम इस्तेमाल करेंगे व्हाट्सएप पे उस बैंकिंग की सुविधाएं पाने के लिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। आगे देखते हैं, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की नौसेना के साथ पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है? तो नॉर्थ कोरिया डेली बम फोड़ता है, साउथ कोरिया की हालत खराब कर रखा है, वही बगल में जापान है, वो भी बेचारा डरा रहता है, आर्मी तो रखते नहीं है, क्यों भड़काते रहते हो? तो इसलिए अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया, ये तीनों के तीनों मिलकर इस पनडुब्बी रोधी अभ्यास को कर रहे हैं। इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को जब बताया था तो मैंने जापान का नाम नहीं लिया था, क्योंकि मैंने जिस समय डेटा कलेक्ट किए थे उस समय जापान ने कोई ऑफिशियल डिक्लेरेंस नहीं दी थी, तो मैंने सिर्फ बताया था साउथ कोरिया और अमेरिका कर रहा है, फिर बाद में ऑफिशियल डिक्लेयर हो गया कि जापान भी इसमें शामिल हो रहा है। तो अब ये याद रखिएगा कि जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका, क्योंकि जब ये दोनों लोग करने जा रहे थे तो जापान का कि हम भी बगल में, हमारी भी हालत खराब कर रखी है इसने। तो चलिए आगे देखते हैं, तो ये किस किस देश में, इसको मैं आंसर लिख देता हूं, जापान। जापान के जो पीएम है फुमियो किशिदा, आए थे इंडिया, गोलगप्पे खिलाए मोदी जी ने, खुश होके गए। जापान, साउथ, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो पैरेलल लाइन जाती है उसको बोलते हैं 38 डिग्री पैरेलल लाइन। और कौन सा देश है? अमेरिका, अमेरिका क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसको चुना गया? तो अभी तक कौन थे? डेविड मालपास। डेविड मालपास रिटायर होने के एक साल पहले ही वो छोड़ के जा रहे हैं, और पता नहीं उनको रिटायरमेंट के मन कर दिया होगा, थक गए होंगे या फिर कुछ और होगा, अपना कुछ पर्सनल काम होता है। हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर, तो अब इंडिया की तरफ से एक नाम सेलेक्ट किया गया जिनका नाम है अजय बंगा। क्या नाम है? अजय बंगा। बाकी देशों ने कोई नाम ही नहीं सजेस्ट किया, तो अब कोई विरोध के लिए खड़ा ही नहीं है, तो बस जीतता है जिनपिंग की तरह। चाइना के प्रधानमंत्री की भी यही हाल है, राष्ट्रपति की भी यही हाल है, उनका भी कोई विरोध करने के लिए। हाल ही में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस का विकास किया गया है, जिसे IIT मद्रास ने किया, जो कि बहुत लाइट वेट है, 30 सेकंड बता देगा, 1 ml दूध की बूंद की मदद से बता देगा कि दूध में किस चीज की मिलावट है, सोप की है, यूरिया की है, डिटर्जेंट की है, स्टार्च की है, या फिर किसी सॉल्ट को मिलाया गया, या किस चीज को मिलाया गया, कोई भी हानिकारक दवाइयां मिलेगी, उसके बाद पता लगा देगा। और जैसे जैसे इसको थोड़ा और डेवलप किया जा रहा है, इसके साथ ही जो फलों के जूस होते हैं उसको कोई लिक्विड पेय पदार्थ है, और साथ में पानी में भी कोई केमिकल मिला हुआ है उसका भी पता लगा लेगा। तो ये एक क्रांति के तौर पर आएगा, तो कहां के
कहाँ के जुगाड़ुओं ने इसका इसको बनाया है? तो आईआईटी मद्रास के जुगाड़ुओं ने इसको बनाया, आईआईटी मद्रास। हाल ही में केरल ने पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति किसे देने की घोषणा की है? तो इसे देने की घोषणा की है एम टी माधव नैयर। क्या नाम है इनका? एम टी माधव नैयर। इसके बाद आगे देखते हैं, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2000 से अधिक यूपीआई लेन देन पर भुगतान ऐप पर पीपीआई प्री पेमेंट इंटरफेस यूज करने वालों को, जो कि वॉलेट यूज करते हैं जैसे यूपीआई का वॉलेट, फोनपे का वॉलेट, पेटीएम का वॉलेट यूज करते हैं, उनके लिए 1.1% का एक्स्ट्रा सेस लगाया है। जो नॉर्मली पेमेंट करते हैं, सब्जी जाते खरीदने 20 रुपए पेमेंट करते हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद लिया आप पर्सनली, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। हाल ही में केरल ने पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति, ये क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद हाल ही में टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है नवीन जिंदल को। किसको मिला है? नवीन जिंदल को मिला है, जो कि वहां पे छात्र नेता भी रह चुके हैं। और इसके बाद है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ की गई है? यू। क्या करेंगे? ये लोगों के जीन को कलेक्ट करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे और आने वाली बीमारियों से दूर होंगे। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया संवाद भागीदार किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सऊदी अरब को, संवाद भागीदार यानी डायलॉग पार्टनर। डायलॉग पार्टनर और एक होती है ऑब्जर्वर कंट्री। तो डायलॉग पार्टनर इज द लास्ट स्टेप टू ज्वाइन या टू बिकम एन मेंबर। मेंबर बनने से पहले लास्ट स्टेप को बोलते हैं डायलॉग पार्टनर। तो डायलॉग पार्टनर बन गया है सऊदी अरब। और इसी तरह पिछले साल डायलॉग पार्टनर कौन बना था? ईरान। और ईरान इस बार जो जुलाई 2023 में इनकी मीटिंग होगी उसमें बनेगा मेंबर। उसी तरह सऊदी अरब भी अगले साल तक मेंबर बन जाएंगे। तो मेंबर बनने के लिए लास्ट कड़ी है डायलॉग पार्टनर के रूप में। इसी के बाद आज का कोट जो आपके दिन को ऊर्जावान बनाएगा। आज रविवार का दिन था, तो आज रविवार को हम पूरे हफ्ते का एक रिवीजन कराते हैं। तो आप पूरी वीडियो के ऊपर ध्यान से देखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिटेल से चाहिए तो आप किसी डे की प्लेलिस्ट जो होती है, मतलब पिछले डे का जो करंट अफेयर होगा वो रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे। कभी पढ़ाई का तरीका बदलो, आंसर निकालने की स्पीड बदल जाएगी। तो थैंक यू, कीप स्टडी, कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू।